माजी सरपंच साहब, जो गांव के एक लड़के के साथ घटना हुई है, तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ प्रशासन की कार्रवाई अब तक? ये मलकीत नाम है जिस लड़के के साथ घटना हुई है, और ये अमेरिका जाने के लिए 17 फरवरी को दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी थी इसने, और इसका भाई राजू है। राजू से लगातार बातें होती रहती थी, 7 मार्च तक बातें होती रहती। जैसे ही 7 मार्च से संपर्क टूटा है, परिवार वालों ने चिंता जाहिर की, एजेंट से संपर्क साधा कि हमारी मलकीत से बातें नहीं हो रही है। मैं सरपंच साथ में और जिला परिषद साथ में और पंचायत के तौर पे और भी गांव के मौजूद आदमी हम एजेंट के पास गए थे, और एजेंट ने बोला था कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम जैसे 1-2 दिन के अंदर उसका पता निकाल कर आपको बता देंगे। लेकिन हमने कहा कि आप गुमराह कर रहे हो, हमें चिंता है, जैसे संपर्क टूटे आज 5-7 दिन हो गए हैं। आप जेंट है एक बलवान सिंह अहर वाला, उसके पास लेके गए, वहाँ से खबर निकल के आई वह कहीं किसी डोंकर के पास है, वो डोंकर ने पकड़ा हुआ है, पैसे का कोई मामला है, 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं एजेंट से। तो वहाँ पे ये बातें हुई, उसने बलवान शर्मा एजेंट है जो अहर वाला, उसने मतलब आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आपका 2-3 दिन का टाइम दो, हम इसकी जल्दी ही खबर निकाल के दे देंगे, आप घबराओ मत, जाओ आराम से। तो इंतज़ार पे 2-3-4 दिन का ऐसे टाइम लगातार देते रहे, ये बहुत दिन हो गए थे, लेकिन फ़ोन भी उठाने एजेंट ने बंद कर दिए थे। कोई ठोस कार्रवाई जो एजेंट की जिम्मेवारी बनती थी एजेंट ने नहीं की है। फिर हमारे गांव के बहुत से लड़के विदेशों में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, उनने मतलब वीडियो वायरल की है, फ़ोटो वायरल की है मलकीत की। उस वायरल वीडियो फ़ोटो से मतलब ये निकल के आई है मलकीत की वो डेड बॉडी, उसमें परिवार ने गाँव ने मतलब तस्दीक कर लिया कि ये मलकीत की ही डेड बॉडी है। और जैसे ही इस घटना का गांव को पता लगा, बड़ी ही दुखदायी घटना है, मतलब सारे गांव ने शोक व्यक्त किया है इस घटना का, तुरंत मतलब हम एसपी के पास गए हैं एजेंट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर और मलकीत की डेड बॉडी गांव में लाने के लिए। कैसे पता चला कि ये मलकीत ही है? मलकीत की जो पहले हमारे पास उसी ड्रेस की मतलब वीडियो भी है, फोटो भी है, और परिवार वाले तो अपने को जानते ही है सारे, मतलब उसका फेस भी दिख रहा है, वही ड्रेस राजू ने उसके भाई ने जो ड्रेस से दिलाई थी, बेल्ट है, जूते है, पैंट है, शर्ट टी शर्ट, वो सारी सारी मैच कर रही है, और पहले की फोटो भी है उसी ड्रेस में। वीडियो जारी होने के बाद एजेंट तो कुछ कनेक्शन एजेंट से कोई मतलब बात नहीं हुई। जैसे ही वीडियो रात को आई थी, ये मतलब वीडियो देखी परिवार वालों ने, राजू मलकीत के भाई ने एजेंट को कॉल की, ईश्वर जी मलकीत के साथ ऐसे दुख घटना घट गई है। क्या नाम है एजेंट का? एजेंट का नाम है जी ईश्वर सिंह। कहाँ से है ये? सोंगल गांव से है, कैथल इसका दफ्तर है, तलाई बाजार में, मनी ट्रांसफर के नाम से उसका मनी ट्रांसफर के नाम से दफ्तर बनाया हुआ है उसने, और जाट ग्राउंड के पीछे उसका रिया मकान है। क्या बात हुई फिर उन दोनों के बीच में? भाई यही माजी ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो उसने ये कहा बहुत ही दुखद हुई भाई तो घटना, उसके बाद कोई संपर्क नहीं है, पुलिस कार्रवाई भी हो चुकी है, और कोई भी मतलब एजेंट की ऐसी प्रक्रिया मतलब दुखी परिवार के साथ शामिल होने के लेकर कोई ऐसा पक्ष नहीं आया उसका कि डेड बॉडी को लेकर हो या कुछ भी। मतलब आपका जो आप कह रहे गांव के भी अमेरिका रहते हैं, उन्होंने कोई छानबीन करी अपने पद्धर पे वहाँ पे? हाँ, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है अमेरिका तो नहीं हुआ, उससे पहले ही ग्वाटेमाला होया है, वो तो वहाँ पे उन लड़कों ने भी मतलब इसकी जानकारी, क्योंकि ये 7 मार्च के आसपास की गुमशुदगी की हुआ थी, इसको मतलब हम पुष्टि नहीं कर सकते कि किस डेट में हुआ है, ये मान सकते कि पहले भी हुआ हो, तो वो तो जेंट की कमियां रही है इसमें, सारी जिम्मेवारी जेंट की ज्यादा है, जेंट ने अपने जिम्मेवारी नहीं। पुलिस वाला एसपी से मिले थे जी, और एसपी ने क्या आश्वासन दिया फिर? एसपी ने आश्वासन दिया है, तुरंत एसएचओ को कॉल भी किया है कि अभी इनकी एफआईआर दर्ज करो और एजेंट के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो, और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेज कर अभी डेड बॉडी को वापिस लाने के लिए कार्रवाई की आश्वासन दिया। कार्रवाई तो इसी को लेकर है, मतलब एजेंट के खिलाफ, एजेंट के खिलाफ कार्रवाई है उसको गिरफ्त में लाने के लिए, डेड बॉडी के लिए विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेज दी गई आपकी तरफ? हाँ, डेड बॉडी को लेकर विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भेजने की तैयारियाँ चल रही है, मतलब गया हुआ है परिवार। जो मलकीत था वो आपका दोस्त बताया जा रहा है? हाँ, मलकीत मेरा क्लासमेट था मलकीत, हम साथ में पढ़े हुए हैं गांव के स्कूल में ही, और बहुत ही होनहार लड़का था मलकीत, बड़े ही नेक स्वभाव का था। मामला ये बताया जा रहा है कि एक नंबर की बात हुई थी, लेकिन ये मामला आ रहा है डोंकी का, 2 नंबर का। देखो जी, परिवार ने विदेश भेजने के नाम पे 40 लाख रुपए की बातें हुई थी, वो हमारे सामने भी मतलब एजेंट ने कबूला कि हाँ हमारी 40 लाख में बात हुई थी,
कोई इसमें झूठ 1% भी झूठ वाली बातें नहीं है कि कम में बात हो यो ज़्यादा बता रहे हो, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। हम पंचायत लेवल पे भी एजेंट ने माना है, हाँ 40 लाख में बात हुई। वो एजेंट की सेटिंग थी, मतलब कैसे उसने पहुँचाया है वो, क्योंकि डोंकी की तो बात नहीं हुई थी पैसे में, जैसे ये राजू का परिवार कह रहा है, वो कह डोंकी की बात नहीं हुई, क्योंकि इतनी मोटी रकम देंगे और फिर भी जंगलों के रास्ते जाएगा, ऐसे रिश्क कौन लेना चाहेगा जान माल का। कुछ लिखित में बात हुई थी या वर्बली? नहीं नहीं, लिखित में तो कोई भी एजेंट नहीं लेता है जी, वर्बली ही बातें थी। तो फिर एक बात और पता लग रही है कि जी वहाँ से जब 7 मार्च के बाद बंद होनी हुई थी, तो बीच में एजेंट पैसे मांगा था? बीच में एजेंट पैसे एजेंट नहीं मांग रहा था डायरेक्ट, मतलब एजेंट की तरफ से ये बात आई थी कि 40 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो एजेंट मांग रहा था या अगर डोंकर मांग रहा था, वो एजेंट का और अगली चैन का इस विषय है ना कि मतलब हमारा विषय है। वो पैसे की जरूर बात आई थी 40 लाख रुपए और की, अगर भाई मैक नाम का सुनिया है कोई, अगर मैक है कोई डोंकर, उसने 40 लाख मलकीत उसके कब्जे में है और 40 लाख की डिमांड रख रहा है। देखो इतनी जानकारी तो नहीं है क्योंकि ये ग्वाटामाला की सुनने में आ रही है, ग्वाटेमाला में ये हादसा हुआ है। सरपंच होने के नाते सरकार से अपील क्या करोगे जी? सरपंच होने के नाते सरकार से सर्वप्रथम तो ये अपील है कि परिवार का दुख कुछ कम हो जाए, उसके लिए डेड बॉडी मंगाई जाए मलकीत की। आज पूरे परिवार का और गाँव का, ये पूरा मतलब राज्य का ही दुख है, क्योंकि बेरोजगार हो चुके हैं आज युवा और रोजगार की तलाश में जमीन जायदाद को दाव पे लगाकर इकलौते लड़के भी अपना मतलब रोजगार की तलाश में विदेशों की तरफ जा रहे हैं। ये पता लगा जी MPHW का भी उसने फॉर्म भरा था और एग्जाम वगैरह दिया था? हाँ, वो जॉब की तैयारियां तो निरंतर चलती रही है उसकी। कहीं ना कहीं सरकार का भी लूपहोल है कि सरकार अगर रोजगार देती तो बिल्कुल जी सरकार को बाहर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल, ये सरकार का तो है ही, अगर रोजगार होता तो हम क्यों बाहर जाते। पर सरकार तो कह रही है 2 करोड़ रोजगार दे उन्होंने, कहाँ है रोजगार, वो तो देख ही रही है सारी जनता को। रोजगार होता तो ये दिन देखने थोड़े पड़ते, आज ये मतलब हादसा थोड़े होता ऐसा। तो एजेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते फिर आप? एजेंट के खिलाफ जो उचित कार्रवाई है, मतलब आगे भी किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, अपने माओ के लाल ना जाए, तो हम एजेंट के खिलाफ भी जो उचित कार्रवाई बनती है, परिवार ने जो मांग की है वो कार्रवाई हो। जो युवा डोंकी के रास्ते जाना चाहते हैं उन युवाओं और परिवार को क्या कहना चाहोगे आप? जो युवा डोंकी के रास्ते जाना चाहते हैं उनसे यही अपील है कि आप अपने परिवार की बहुत बड़ी आस हो, आपसे आस रखते हैं, आप ऐसा गलत कदम ना उठाए, डोंकी का रास्ता ना चुने, अगर जाना है तो मतलब एक नंबर से ही जाए, स्टडी बेस से या कोई भी बिजनेस पर्पज से, मतलब एक नंबर से। नाम क्या आपका? मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत मटौर से, रमेश मोन। तो ये थे मटौर गांव के सरपंच जी, और मामला आपको पता ही है, मलकीत भाई है जो मटौर गांव से है, जो 40 लाख की बात होकर जो ईश्वर एजेंट है कैथड़ से है, सोंगड़ गांव का वो बंदा है, और भाई को बोला था अभी अमेरिका भेजा जाएगा एक नंबर में, लेकिन मामला 2 नंबर का बनकर सामने आया है, और भाई मलकीत की है जो शिनाख्त करी गई है कि वो ब्रॉड डेड वहाँ पर बताया गया कि उनकी हत्या कर दी गई है, गोली है, और फोटो भी एक ऐसी आई है, वीडियो भी आई है जिसमें आंखें सूजी हुई है और शरीर पूरे शरीर पर है जो चोट के निशान है। तो जो भाई डोंकी मारना चाह है, बाहर जाना चाह उन सरपंच साहब ने भी और हरियाणा डेली पोस्ट की तरफ से भी भाई हम यह कहूँ, अपील करा हाँ कि ऐसा है जो कदम ना उठा हुआ, जिस तरह घर वाले ने परिवार वाले ने दुख संकट झेलना पड़ा है, क्योंकि डोंकी का नाम पर भाई देख लो के मामला सामना, और ऐसे बहुत से मामले हैं, और सरकार तो फिर भाई सवालिया निशान है, मलकी तो चला गया भाई, लेकिन सरकार में फिर सवालिया निशान छोड़ के गया है, सरकार का वह रोजगार दे रही है, अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल है, ये रोजगार है भाई सरकार का, युवा उन्हें भाई बाहर जाना पड़ रहा है, डोंकी मारनी पड़ रही है, अपनी जान जोखिम में देनी पड़ रही है, तो सवालिया निशान है यो बीजेपी सरकार पर, और यू बना रहा अगर इसका जवाब सरकार ने देना पड़ेगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई साहब, ताकि सरकार और सरकार के अनुमान दे तक यह बात पहुँच सके।